जरा जरा सा ये पता क्या ये कलर उतरा हुआ, ये देखो कलर साफ करके दिखाओ, व्हाइट कलर जादू करके दिखाओ, जादू कर कलर उतरा हुआ ये। मैं कुछ नहीं कह रहा, दिमाग नहीं चल रहा अपने, मिट्टी आ जाती तो आप क्या करेंगे अपने, फिर दोबारा से आप अपने ड्रोन को तैयार रखें, फिर ड्रोन यहाँ से शुरू होगा, सारा व्लॉग बना लिया, हेलो ऐसे फायदा के सारे कपड़े सेट, और आप मेरे साथ रहे, ठीक है। मैं सेटिंग कैसे करती हूँ कपड़ों की, काफी दिनों से मायदा ने जो है कपड़े ऐसे बस पहनती है और उतार के चली जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं इसके जो है कपड़े सेटिंग कर दूं, इसके सारे कपड़ों की कपड़ों को हैंग कर दूं, ताकि इसको मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो। मायदा के 10th class के पेपर हो रहे हैं, और जैसे ही पेपर खत्म होंगे तो मैं इनसे काम करवाऊंगी घर का, और फिलहाल अभी तक तो मैं अभी तो मैं ही करूंगी सारे काम, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में बहुत हर्ज होता है। बच्चे कुछ ना करें, ये अभी आपको मैंने दिखाया नहीं ये कपड़े, तो अभी सिर्फ दो दिन बाद ये अपने आप ऐसे टेढ़े मेढ़े, सब पता ही नहीं होगा कि कहाँ कौन सा सूट
पहनना है, कौन सा क्या करना है, कौन सा रखना है, कौन सा पहनना है। और ज्यादातर तो ये मेरे ही कपड़े पहनती है, अपने कपड़े तो इसको पसंद ही नहीं है। अच्छा जी, ये एक ये शर्ट है इसकी, एक ये शर्ट है ठीक है, और एक ये शर्ट है इसकी फायदा की, एक ये शर्ट है इसकी ठीक है, और साथ में एक ये वाली शर्ट है इसकी ठीक है, शर्ट हो गई। और ये देखिए जी, ये भी इसकी शर्ट मायदा की ठीक है, और एक ये, इनको करते हैं जी हैंग। तो मिलते हैं हैंगर करने के बाद। हैंग करके इसको पकड़ लेंगे नीचे से कैमरे को, अगर आपने कोई डंडी लगाई भी कैमरे पे तो ठीक है, नहीं तो आप कैमरे को नीचे से पकड़ेंगे, जब आप क्लिप यूज करेंगे उसके अंदर आईफोन लगाएंगे, आईफोन लगाएंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, वो खुद ब खुद डिटेक्ट करता सारी चीजों को, ऐसे डिटेक्ट करता, डिटेक्ट कर रहे ये आप किधर लेंगे, पर इसका मुंह देखो कैमरे का किधर है, ये ऐसे ये फेस डिटेक्ट करते हैं, ये देखो ऐसे ठीक है। और आपने अपने ये देखो 15 प्रो मैक्स यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये कि आप देख रहे हो इधर और वो देख रहा होता है आपको इधर ठीक है, आपको छोड़ता नहीं है वो, ये यू करके आप कैसे करना है, आप यू शुरू करेंगे नीचे से पकड़ लेंगे डंडी, आईफोन लगा के उतना ही वो कैप्चर जगह नहीं छोड़ेगा, भले आपका हाथ किधर, फिर कैमरे को साफ कर लो, लेंस साफ कर दे, लेंस साफ कर लो फिर। तो गाइस अभी जो है आज मदर्स डे है और मामा को शायद नहीं पता, और अभी चल के देखते हैं मामा क्या कर रही हैं, और मामा से पूछते हैं, शायद मामा किचन में, और मामा क्या पका रही हैं आज चेक करते हैं, चले आए पूछते हैं। खाना खाना नहीं है, पेट खाली रहेगा क्या? तो पापा क्या बनाया है देख लो सामने, पक रहा क्या बनाया है आप आज, मतलब क्या आज आप गुस्से में, मतलब आपको पता है कि आज मदर्स डे है? हाँ जी, तुम लोगों को जो याद नहीं है हर साल का। चलो अब मैं, मदर्स डे है तो क्या कहते हैं, मैंने ही तुम लोगों को सरप्राइज दे दिया खाने का, खाने का इतना मजे का खाना बनाया है गाइस, ये देखें इतना मजेदार, इसको क्या कहते हैं, चलो बच्चों के हाल चेक करो, अजीब है ये, अल्लाह तो ऐसी शक्ल का कौन पहचाने, कोफ्ते हैं? हाँ ये कोफ्ते हैं, कोफ्ते तो गोल होते हैं, हाँ तो ये थोड़ा सा लंबे लंबे थे, ये कबाब ग्रेवी बनाई है कबाब की। अच्छा, वो नहीं होते जो बाजार से मिलते हैं सीख कबाब के, वो मैंने बनाया सेम, और इसके लिए ग्रेवी बना दी मसाले की। अच्छा, खाओगे तो पता चलेगा मजा आएगा। अच्छा चलो पापा को बुलाओ खाना खाए, चले अभी हम खाना खाते चलते हैं, चलो चलो जी। भैया इसको डाइनिंग टेबल को ना ऐसे लगा दो जरा, तीनों मिलके पहले कुर्सियां पीछे करो, तुम्हें क्या हर वक्त डांस की पड़ी रहती है, डांस के अलावा काम है? वैसे अरम तुम करते क्या हो, वैसे एक बात है, अब इसको ऐसे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो ना? नहीं लगता नहीं है नहीं। चलो इधर आओ, साइकिल लेके जाओ पहले भाई, नहीं हो जाएगा, आराम से आराम से आराम से, मोबाइल उतारो पहले, मोए मोए होने लगा था कि साइकिल लड़ा दूं, हाँ साइकिल बाहर लेके जाओ, साइकिल बाहर लेके जाओ, चल आराम से, शीशा बहुत है, साइकिल हटा दे, नहीं नहीं साइकिल बेटा बाहर निकाल दें, आप साइकिल हटा दें, ये कौन है, बकरों की आवाजें आ रही, बकरे आगे क्या नीचे, चलो तुम्हें खाने की पड़ गई है, इधर पहले डाइनिंग टेबल हटा दो, एक पान मसाला निकला है, नाज पान मसाला उसको खाने लग गई है, और बाद में जो है ना वो मुझे लग रहा है यही आवाज निकाल रही, बात सुने थोड़ा ना दीवार के साथ करना है थोड़ा सा, बहुत बस बस, सुबह मासी आएगी वो, बस वो बहुत काम कराते हैं संडे वाले दिन, उससे बहुत काम कराते हो, एक खाली टेबल इधर को की है बस और कुछ नहीं, बहुत काम कराते हो सुबह से, ये मसला है वो मसला है छत पे मसला है ये करा,
छत का सारा काम करवा लिया। एक तरबूज लाने को कहा था, वो तो लाए नहीं आप। तरबूज तो अभी ले ही आऊंगा मैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ। सारा काम छत का कराया, तुमने मुझे उससे साफ करवाया, इतना बुरा काम कर दिया। पकड़ के देखो ये तुमने साफ किया था, कैसा बुरा हो रहा है बिल्कुल। मम्मी देखो, अरे मैं इसको साफ, अभी मुझे पता है ना तुमने इसको साफ करवाना मुझसे। ये हम लोग लाए थे अपने गाँव से, ये मैं लेकर आई थी बाबरपुर से लेकर आई थी। गंदम है, गंदम गंदम निकाल के इतनी काफी बहुत गंदम लग रही थी वहाँ पे खेतों में। तो मैंने सोचा कि मैंने अम्मी से कहा, अम्मी मुझे ना ये चाहिए, तो अम्मी कह रही ऐसा करो मैं तुम्हें इसका वो बना देती, इसके बंच बना देती, जाके इसको लगा देना दान में लगा दे। मैंने ऐसे कोने में पड़ा हुआ था ये ऐसे ही फजूल में, तो मैंने ला के इसके अंदर ले लगा दिया। इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये। चलो हो गया काम। देखो ये ऐसे सही है। हाँ हाँ सही है, ठीक है। बस अब ये रहेगा मुझे इसका जो है ना, ये वैसे सही है, ये भी नहीं गिरता, इंशाल्लाह नहीं गिरेगा। हाँ ये मैंने लगा दी थी, एलपी ठीक हो गया था। हाँ हाँ देखो ज्वाइंट ठीक हो गया, ये खुल रहा नहीं है चारों तरफ। मैं आपने क्या रखा हुआ है? नहीं नहीं ये भैया देखो, जब से आपने ये लगाया है ना, बनवाया इसको आपने, एक दफा कपड़ा भी नहीं लगाया इसको। नहीं देखो, देखो इतनी मिट्टी पड़ी है, ये देखो मिट्टी देख रहे हो, कितनी बुरी बात है। इस तरीके से होता है क्या? पेपर हो रहे मेरे, क्या हो गया? अच्छा चलो पेपर से फ्री होने के बाद ना फिर ये चीज देख लेना, सही है। और इसको ये जला के भी रखा करो, शाम को जला दिया करो, इतने प्यारे। चलो सही है, फोन ऑन करके दिखाओ, ऑन करके कर देते हैं। छोड़ो जब आपने पेपर, अरे यार शुक्र अल्लाह का तुमने पानी पी लिया उनके बच्चे। चलो मैं खाना लगाने लगी हूँ, खाना खाते हैं फिर, ठीक है? चलो जी खाना खाओ। मामा कोफ्ते कितने मजेदार लग रहे हैं। बहुत डिलीशियस, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे मेरे फेवरेट डिश ही मामा की है, मुझे अच्छे। गरम थोड़ा पापा के पास आओ, एक तस्वीर खींचनी है। जुरासिक पार्क में पापा के पास खड़े हो। अंडे जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क बहुत मजेदार। इधर देखो भैया, इधर देखो अरम। अच्छा जी हम लोग खाना खाने लगे, उठ गई ये उठ गया भैया जी। हाँ खाना तो खाने देती है आप मुझे। कोई बात नहीं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा लाओ मुझे दो, मैं मेरे पास है, आओ मैं तुम खाना खिलाऊंगा। गर्मी बहुत है, गर्मी में मैंने खड़े होके बनाया है, गर्मी में खड़े होके मैंने रोटी बनाई है, और ये बेबी उठ गया है। अभी खाना खाने लगी थी मैं, फौरन उठ गया ये बेबी, फौरन उठ गया। चले जी खाना खाते हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद। अच्छा टेबल पे बिठा दूं ना मुझे? नहीं आप खाना खाए, नहीं नहीं आप खाना खा ले, मैं पकड़ लेती हूँ स्पाइसल को, छोड़ दें। फिर हम लोग टेंट के पास जाएंगे ना, तो फिर हम वहीं से वो ले लेंगे केक, नहीं तरबूज, वाटरमेलन मोए मोए। मामा को मुंह पे हम लोग देंगे तरबूज, मामा का फेवरेट फल है। हाँ मैं तो कह रही हूँ उसको ऐसे काट देंगे जैसे केक होता है। मुझसे कोई नहीं पूछेगा ये कैसे, मामा ये कैसे बनाया मैंने, उसी को कट कर देंगे हम। खाना बहुत लाजवाब, कहाँ जा रही है पागल? मैं अपना भी तुम दे लूँ। आर्टिफर बहुत मजेदार, बहुत मजेदार यार, ऐसा कमाल मैंने अंडे कभी नहीं खाया। अच्छा गोल कोफ्ता में और इसमें क्या फर्क है? टेस्ट अलग है, बनाने का तरीका अलग है ना। ये सीख कबाब है, सेम सीख कबाब, ये सीख कबाब अलग है। यार मामा क्या बनाए आपने आज शक्ल, बहुत मजे के। अगर आप खाओगी आए दैट। चले चले जी मिलते हैं खाना खाने के बाद। आराम चलो जाओ बेटा, पढ़ो जाने बढ़िया जाओ तुम भी। अच्छा मामा एक गिफ्ट क्या देख, बलून है, बलून बुलाना आइजल को खुश करना। शर्म तो नहीं, वैसे ही पूछा जाती है। चलो अच्छा जी, हाँ चूमा है ना तुम लोगों ने मेरा। चलो अल्लाह पाक तुम लोगों को कामयाब करे जिंदगी में और ढेरों खुशियां दे, ठीक है? थैंक यू। एक मामा की भी दुआ है तुम लोगों की। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। अब ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है?
जब मुझसे आज छुट्टी वाले दिन तुम आ रही हो घर में वही हो रहा है इतना साफ हो रहा है साफ ही है इसको क्या गंदा धोती ये गंदा है ये देखो जरा जरा सा ये पता क्या ये कलर उतरा हुआ ये देखो कलर साफ करके दिखाऊं जादू व्हाइट कलर जादू करके दिखाऊं जादू कर दिया कलर उतरा हुआ ये क्या वाह मैं समझी ना नहीं नहीं ये तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम लोगों के हाथ लगे हुए इसके दरवाजे को ऐसा लग रहा है जैसे कलर उतरा हुआ कलर नहीं उतरा हुआ तुम लोगों ने कभी साफ ही नहीं किया ये देखो आराम सर्फ लगा के दो पापा को सर्फ लेकर वो उधर वॉशरूम में पड़ा हुआ है जहाँ मैं कपड़े धोती है ना उसमें दूसरा दरवाजा भी है तुम पकड़ लो दूसरा दरवाजा चलो जाओ मैं तो अपने बीवी के डर की वजह से कर रहा हूँ डर की वजह से और क्या साफ होगा चलो वो दूसरे वॉशरूम में जाओ बेटा जहाँ मशीन लगाते हैं इसको बीच में से दो कर दो ऑनलाइन ऑर्डर कर दे कैसे बीच में से दो कर दो रियलिस्टिक है बिल्कुल एक ही चीज बहुत मेहनत से रियलिस्टिक काट के जी ये हो गया काट हो गया पते इतना रियलिस्टिक केक ये मैं आपको दिखाने लगी ये केक चेक करें आप इतना मजे का केक है ना ये मोए बड़े मजेदार केक है केक चेक करें मेरे मेरी जो उसका है ना केक चलो खा बनाते रहो जब मैंने वहां के वहां खड़े हो जाना जब कैमरा बंद हो जाना पता नहीं क्या आजाब है इसको क्यों खड़ा कर रहा हूँ मैं इसको क्यों क्यों बना रहा हूँ इसको दोबारा सेट कर रहा हूँ जल्दी करें सेट क्यों कर रहा हूँ दोबारा पता नहीं चलो 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 मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है खर्च करने के लिए ये देखिए जी मेरा जो केक है ना शायद किसी का आज ये केक कटा होगा दुनिया में किसी का नहीं कटा होगा आज नंबर वन केक मेरा पीस काटो भाई जल्दी से काट वो ना क्या कहते हैं अरे नीचे से कांटे निकालो ये ऐसे खा लेते ठीक है तो गाइस हैप्पी हैप्पी मदर्स डे दोनों तुमने मुझे खिलाना चाहिए था दोनों अभी खिलाया था आपने बोला पीछा तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज बाय बाय अल्लाह अंदर से तब मजेदार यम्मी ये मैंने डाली है इसमें बर्फ ये देखो जी ये बर्फ डाल के हमने ठंडा कर लिया है इसको तो अब हम इसको खाएंगे खा के दिखाते हैं भाई यम्मी कैसा मजा आया क्या बात है सोना नहीं है नहीं हजल आपने सोना नहीं नहीं बोला नहीं बेटा रात हो गई है नहीं नहीं इसको नहीं खिलाना हैजा हो जाता बच्चों को अभी दूध पिया वैसे नहीं 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 सुबह खिलाती है मेरी बेटी नहीं तरबूज बच्चों को नहीं खिलाते देख कैसे नहीं मुड़ मुड़ के हजल आप खाओगी आप खाएंगी अच्छा जी ये तरबूज इतना मजेदार है ना ये तरबूज जो है ना भूख भी मिटाता है प्याज भी ये हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से खा रहे हैं इसके अंदर वो डाल के बर्फ डाल के ये बहुत मजा करता है ये मजेदार कितना ना हमारा अपने फ्रूट इतना अच्छा बनाया है ना ये कि ना इससे प्याज भी बुझ जाती है और भूख भी
दोनों चीजें हैं, अल्लाह पाक ने ऐसे बना के दिए है ना हमारे लिए फल। बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा जी, ये देखें जरा, रात के कितने बज रहे हैं? एक बज रहे, डेढ़, एक डेढ़ बज रहे है ना। और ये आजल बेबी अभी तक नहीं सोई, सुलाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये सो नहीं रही। और अभी आजकल के बच्चे कहाँ सोते हैं? हाँ, सोते ही नहीं है। चल अच्छा जी, अब आपको हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है? और बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अभी आपको पेट ला दूं? और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अच्छा, बाय बाय। ये हमारा पेट है, छोटा सा।